क्या बन जाए। उका बाहर भेजिए, उका लेके जाने आए हैं। बुलाइए प्रतिज्ञा को। कृष्णा बेटा, प्रतिज्ञा अंदर ही है, तुम अंदर तो आओ। तो हम कब मना किए, हम कब बोले कि प्रतिज्ञा अंदर नहीं है? अरे हम वो जानते अंदर है, उका बाहर बुलाइए ना, या फिर दोनों मनाई है बीबी से मिलने में है? अरे तुम अंदर तो आओ, चाय पानी पी कर जाओ। इतनी जल्दी है क्या? अरे बहुत जल्दी है, हम का बहुत जल्दी है। मैं समझ नहीं रहे हो बात कर, हम अपनी पत्नी को लेके जाने आए हैं। नहीं भेजिए उसको। पत्नी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी मतलब काम, मतलब क्या कर, वो यही रह वो? इतना सब कुछ पहले बर्बाद कर चुके और क्या चाहती हो? क्या चाहती का हो? पढ़ी लिखी हो मतलब अपनी जिद चलाओगी बस। अच्छा समझ गए, समझ गए हम क्या चाहती हो तुम। यही चाहती हो ना कि तुम्हारा जो पति है सबके सामने माफी मांगे, यही चाहती हो ना? ठीक है, ले लो, सबके सामने बोल रहे हैं सारी। अब चल। वो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। से निकालने की बात ठाकुर सज्जन सिंह ने की थी ना, तो कायदे से तो उन्हीं को लेने आना चाहिए प्रतिज्ञा। सर जी बे मतलब बात बढ़ाए रहे हैं। अरे प्रोफेसर है ना, आपको तो बात सुलझानी आती है, क्या उल्टा मामला बिगाड़ दें। मामला हम बिगाड़ रहे हैं, ये बात तुम अपने आप से और अपने पिताजी से जाकर पूछो कि मामला कौन बिगाड़ रहा है। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम प्रतिज्ञा को तुम्हारे साथ भेज भी दें, तुम्हारे पिताजी उसे घर आने देंगे? ये गारंटी वारंटी हम नहीं जानते, ये आप ही रखो। हम अपनी बीवी को लेके जाने आए हैं, समझो? और आपको कौन हक नहीं हमारे बीच में बोलने का, बताए रहे। कृष्णा, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? आदर्श तुम चुप रहो। देखो बेटा, अगर ये मामला सिर्फ मियाँ बीवी के बीच का होता ना, तो हम प्रतिज्ञा को यहाँ लेकर कभी नहीं आते। बल्कि वो अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाती तो हम उसे समझाते, रोकते। पर फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो हमने कोई गुनाह नहीं किया है। और रही बात मियाँ बीवी के बीच में आने की, तो मियाँ बीवी के बीच में तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहम, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी दौलत, जब ये सब आ सकती है तो एक बेटी का बाप क्यों नहीं बीच में आ सकता? अगर तुम चाहते हो कि प्रतिज्ञा दोबारा उस चौखट पर कदम रखे, तो अपने पिताजी से कहो कि वो आएं और आकर प्रतिज्ञा को लेकर जाएं। जब तक तुम्हारे पिताजी प्रतिज्ञा को लेने के लिए नहीं आएंगे, प्रतिज्ञा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। कहीं से नहीं जाएगी। हम भी देखते हैं कौन रोकता है। हमारी बीवी है, हमसे शादी हुई है, हमारे साथ जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी, बताए रहे। कृष्णा, तुम फालतू में हम लोगों से उलझ रहे हो। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो जाकर अपने पापा से बोलो। साले साहब, जो होना हो ही रहो, समझो। बाप बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात पसंद नहीं आ रही ना? जाओ अंदर जाओ, जाए के प्रतिज्ञा का सामान पैक करो, चलो जाओ। ए बाबा, बहन है तुम्हारी, ए लिए कह रहे कि नौटंकी बंद करो और ये फालतू की ना जिद छोड़ो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हम सज्जन सिंह की बेटी हैं। और तुमको ये घर के लोगों के साथ ना जबरदस्ती करने नहीं देंगे। तू का पागल हो गई है का? है? अब इन सब के लिए हमसे लड़ेगी, अपने भाई से लड़ेगी? काहे? तुम्हारी बीवी को कौनो कुछ कह दे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि तुम हमरे मर्द को कुछ बोलोगे तो? देखो ना कैसा सीधा साधा और कितना बढ़िया से बतिया रहा है तुमसे, और तुमको देखो कैसे चढ़ के बात कर रहे हो। अब हमसे बोलो, हम देखते हैं कि तुम कैसे प्रतिज्ञा को ना ये घर से जबरदस्ती लेके जाते हो। अब ऐसे मुंह का देख रहे हो? ये लोग सही तो बोल रहे हैं। अब बाबूजी को घर से निकालो है तो वही फैसला करेंगे इनके घर से जाने का। हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जाओ और बाबूजी को भेज देना। चलो, अभी ना सब सही हो जाएगा। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। चलो। बन जा